श्वेत क्रांति में एक और कदम। राजस्थान की पहली 5000 की बीएमसी अजमेर जिले के सरादना ग्राम पंचायत में खुली। अजमेर सरस डेयरी अध्यक्ष रामचंद चौधरी ने आज सरादना पहुंचकर राजस्थान की पहली 5000 लीटर की बीएमसी का विधिवत शुभारंभ किया। वर्ष 1974 में पंजीयन हुई सरादना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड कभी बंद होने के कगार पर थी, परंतु पशुपालकों की मेहनत और अजमेर सरस डेयरी के सहयोग से आज सरादना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जिले की 10 पहली सर्वाधिक दूध देने वाली समितियों में से एक हो गई है। आज सरादना ग्राम पंचायत में 5000 लीटर क्षमता की बीएमसी का शुभारंभ अजमेर सरस डेयरी अध्यक्ष रामचंद चौधरी द्वारा किया गया। अजमेर सरस डेयरी की योजनाओं से पशुपालकों की लगातार उन्नति हो रही है। डेयरी अध्यक्ष रामचंद चौधरी ने लाभांश एवं बोनस वितरण समारोह के दौरान बताया कि अजमेर सरस डेयरी के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं से आज जिले का पशुपालक उन्नति की ओर अग्रसर है। राजस्थान सरकार द्वारा भी पशुपालकों को 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं बाल गोपाल योजना के माध्यम से स्कूली बच्चों को भी सप्ताह में 6 दिन दुग्ध वितरित किया जाता है। ग्राम पंचायतों में नंदी गौशाला संचालित हो रही है। अजमेर सरस डेयरी अध्यक्ष रामचंद चौधरी ने बताया कि पशुपालकों की मेहनत के कारण अजमेर सरस डेयरी आज उत्तर भारत की सबसे बड़ी डेयरी बन चुकी है। सरादना पंचायत में 5000 लीटर की बीएमसी के उद्घाटन के पश्चात बोनस वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान 28 लाख रुपए का लाभांश एवं बोनस वितरण पशुपालकों को किया गया। कार्यक्रम में सरादना सरपंच हरिकिशन जाट, जिला परिषद सदस्य दिलीप पचार, डेयरी अध्यक्ष सरादना ईसी देवी, उपाध्यक्ष राजेंद्र मुंडारिया, सोदान खोजा, अशोक परोदा, गोपाल खरवड़, बाबूलाल जाटरा, अमरचंद खोजा, गोपाल खरवड़ सहित आसपास की समितियों के अध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अजमेर सरस डेयरी का ग्रामीणों ने गर्म जोशी के साथ स्वागत अभिनंदन किया। जब मैं यहाँ बैठा था तो मैंने इस डेयरी के प्रोग्राम की जो सीट मेरे पास आई थी, मैंने इसे देखा और देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि जब ये 1974 के अंदर ये डेयरी की शुरुआत हुई थी उस समय केवल 10 लीटर दूध आता था और आज सीना ठोक के कह सकते हैं पूरे अजमेर जिले के अंदर कि सर्वाधिक अगर कोई दूध आता तो वो सरादना से आता है और वो 4400 लीटर प्रतिदिन का दूध अगर आ रहा था सरादना से आ रहा है। और ये मेहनत कहीं ना कहीं माननीय चेयरमैन साहब ने भी जब थोड़ी सी चर्चा हुई थी उन्होंने बताया था किसी समय में ये डेयरी बंद थी। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि आपने इस गांव की तरफ देखा और आपको लगा कि ये काफी समय से डेयरी बंद है तो निश्चित रूप से इस डेयरी को आपने ध्यान दिया और इस डेयरी को चलाया और आज अजमेर जिले में नंबर 1 की ओर अग्रसर होती जा रही है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो 40 करोड़ आपको प्लांट बने, 320 करोड़ को, 320 करोड़ का प्लांट बना, उसमें GST 40 करोड़ की दे दी हमने, 11.5% के ब्याज से 180 करोड़ ब्याज पड़ेगा, 4 किस्तें बाकी, 1 सितंबर में देंगे, 3 किस्तें 1.5 साल की और बाकी है, 6 महीने की, तो उस पर ब्याज देंगे 80 करोड़ से 100 करोड़ भारत सरकार, जितना नहीं दिया उतना दम से ले। फिर मीनों में रह गई, ये तूफान और आ रहा है, फिर एक मीनो, फिर तूफान, चेतवा भी बम्बई तूफान, फिर एक बंगाल की तरफ को तूफान, पाछो बम्बई दीदो तूफान, आखो उनाड़ो आपने यहाँ निकले जन चौमासे बेच और भर के डांडा के ही टाइम जो है करीब करीब डांडा दाब वाला के कुदारे ही और डांडा के चारों भी खेता हेरा पाड़ी भी दाब रहा ना तो चारों लियार डाल रहा और सब बड़ी बात थे लोग देख रहे हो माऊ नाराज मत ही मैं जिला में पूरा में घूमू सब मजबूत डांडा किसे MLA आई भगत वे होना पड़े जो बेटा हाँ राजीव जी प्रधानमंत्री है वी टाइम पूरा राजस्थान को मैं चेयरमैन को नो हड़ताल कर में ली यूनियन बनार खूब लड़िया था के लिए जिंदगी में पूरी जिंदगी लगा दी राजीव जी मसूदा आया वी टाइम पूरा राजस्थान में 4 दिनों हड़ताल चल रही शहरा में चाय का दूध का फोड़ा पड़ा तो माने मसूदे बुलाया हरदेव जोशी जी गाड़ी जयपुर भूख हड़ताल में बैठा उठूँ बुला और जोशी जी राजीव जी के सामने खड़ो कर दियो उन्हें नहीं देख रहा वो कहीं करी डोकरो क्यों साहब ये लड़का मानता नहीं है छोरा बुजुर्ग मन तो छोरे कहता ये छोरा नहीं मानता सब
क्या ये लड़का नहीं मानता, क्या बात है भैया? मैंने कहा साहब काल फड़ा हुआ है, कैसी की बात है, जबरदस्त काल हो, छपनो ही बड़ो काल हो। मैंने कहा साहब आधी छूट का 5 लाख डंडों को चारा दे दो और आधी छूट का डंडों के लिए जो है बांटा चालू कर दो बस। उनका नहीं साहब, 8 आना लीटर दूध को भाव भी बढ़ा दियो। तो जोशी जी बच्चों में बोल गया 8 आना तो मत बढ़ाना साहब, हमारी हालत नहीं, 4 आना बढ़ो। मैं क्यों कोई बात नहीं, 4 आना ऐसे ही बांटो। रो तो राजीव जी ने वही मसूदा मीटिंग में माइक पकड़ा, वही घोषणा कर दी और आप लोगों ने दिया। राजीव जी सोनिया जी 7 दिन बाद में दिल्ली गया, मारवाड़ मेवाड़ में घूम, आपके हांटा का बिरोड़ा हरियाणा उत्तर प्रदेश और पंजाब उठर कार खाली गया, रेलना बिरोड़ी आई हांटा की खाली भी कि ना भी हांटा की फ्री में मिलया कि ना मिलया हांटा। अब बात तो मानो तो जिंदगी में मोकड़ो काम कर दिया था मैंने, बांटो जो है बी टाइम अतरो बांटो आदि छूट मिलियो मार्केटिंग सोसाइटी में, अलसी की खड़ मिली अलसी लोग अजमेर जिला ला 50-60 ट्रक भर और मालवा में भेजा डांग में याद हो तो मैं क्यों जाबा दे ठंडा तो अपना ही पाछा आए थे अपन ही दूर थे। तो आपके लिए कोशिश कोई कमी नहीं रखी है हमने पूरी जिंदगी। सबसे बड़ा काम चौधरी चरण सिंह जी का बेटा अजीत सिंह जी थे, उनको हस्बैंड स्कूल में बुलाया था एक बार सम्मेलन में, याद करो मैंने बुलाया ना 2002 में और मीटिंग भी जोरदार। तो मैंने थोड़ी भाई आज आप आवाज ढोल बजा वाला आज ढोल ना जान वो ना अच्छी उनकी बड़ाई की थी चरण सिंह जी की थी, वो आदमी बहुत बढ़िया था अजीत सिंह जी। मैंने कहा साहब हमारे कर्जा, मैं तो 90 में आया हूँ और 90 से पहले NDDB ने अजमेर डेयरी पे